ग्वालियर का है तो आप समझ गए हूँ कि आज मैं ग्वालियर में हूँ और आज जो है इंडिपेंडेंस डे जो है हम ग्वालियर में मनाने वाले हैं। जिस व्यक्ति का हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, मैं बोल रहा था कोई खास व्यक्ति आने वाला है और देखिए वो खास व्यक्ति आ गए हैं। ये देखिए मैं इनकी वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरी वीडियो बना रहे हैं। अम्मी जान कहती है धंधा कोई छोटा बड़ा नहीं होता, धंधे को हमेशा दिलचस्पी से करना चाहिए। देखो इन्होंने जो पूरा डायलॉग बदल दिया है। हमने जो है टी शर्ट खरीद ली है ये, और ये टी शर्ट आपको चाहिए ना तो पता कहाँ मिलेगी, नीचे आईडी दे दी है tathagat.live। गुड मॉर्निंग ग्वालियर, जय भीम नमोद्धा साथियों। आप देख रहे हैं सोनू ब्लॉग्स, मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। तो जब मैंने गुड मॉर्निंग ग्वालियर कहा है तो आप समझ गए होंगे कि आज मैं ग्वालियर में हूं और आज जो है इंडिपेंडेंस डे जो है हम ग्वालियर में मनाने वाले हैं। इस वक्त मैं हूं डॉक्टर अम्बेडकर पार्क हुरावली में। कुछ देर के बाद जो है मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे और एक खास व्यक्ति। कल का यदि आपने मेरा ब्लॉग देखा हो जो देर रात मैंने अपलोड किया था, आई बटन पर मैं डाल दे रहा हूँ, वो ब्लॉग जरूर देखिएगा। और आज हम जो है इनके साथ रहने वाले हैं। आज मेरे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी ग्वालियर की टीम, दिनेश मौर्य जी पूर्व जिलाध्यक्ष बसपा, और भी कई सारे लोग हैं। चलिए तो उनसे आपको मिलवाता हूँ, फिर हम अपनी वीडियो को जो है शुरू करेंगे। तो साथियों आपको एक अच्छा नजारा दिखाऊं, देखिए। तो साथियों अभी मैंने दिखाई आपको भगवान बुद्ध की मूर्ति, आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। और कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और ये जिस इस वक्त जिस जगह पे उनमें इतना शानदार है, देखिए ये ग्वालियर है पीछे, मतलब ग्वालियर तो बहुत बड़ा है लेकिन कुछ दृष्ट देखिए कितना शानदार लग रहा है। और ये है डॉक्टर अम्बेडकर पार्क हुरावली। और नीचे पार्क है, बाबा साहब की प्रतिमा थोड़ी सी दिख रही है। और इतना शानदार नज़ारा है, मन कर रहा है इधर ही काफ़ी देर तक जो है घूमते रहें। अंजलि भैया ने भी एक वीडियो में जो है इस पार्क के बारे में बताया था, जिस पर वो एक पहाड़ी पे जय भीम लिखा हुआ था, वो यही जगह थी ये। साथियों अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ हुरावली अम्बेडकर पार्क में जो है बाबा साहब की जो स्टैचू कैसी लगी हुई है। साथियों अभी हमने आपको दिखाया डॉक्टर अम्बेडकर पार्क हुरावली, और अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह। ये पार्क आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अभी खत्म नहीं होने वाला तो वीडियो को जो है अंत तक देखते रहिए। अब कहाँ चलने वाले हैं? अपन चल रहे हैं सुजाता बुद्ध विहार, और उसके बाद जाएंगे फूलबाग। फूलबाग में कुछ मित्रों के साथ मिलना है। हम आ गए हैं सुजाता बौद्ध विहार पर। ये देखिए पीछे जो है सुजाता बौद्ध विहार है, और अभी हम अंदर चल रहे हैं अंदर। बाबा साहब अमर रहे तो सूरज चांद रहेगा। बाबा तेरा नाम है। साथियों ये सुजाता बौद्ध विहार है, अभी हम जा रहे हैं फूलबाग ग्वालियर, और वहाँ पर जो ये खास व्यक्ति आने वाले हैं जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, तो वीडियो को जो है अंत तक देखते रहिए। जस्ट हम अभी पार्क आए थे, और देखिए यहाँ पर जो ताला डला हुआ है, ये जो है ताला डला हुआ है। दरअसल जो है कोरोना महामारी जो है देश भर में फैली हुई है,
उसको लेकर ये जो है ताला डला हुआ है। अब हम दूसरे गेट से प्रयास करते हैं, हो सकता है दूसरा गेट जो है खुला हो। साथियों अभी हमने जो है यहाँ के जो चौकीदार थे उनको बुलाया और ताला खुलवाया। दरअसल कोरोना महामारी के चक्कर में जो है यहाँ पर जो है परमानेंटली लॉक लगा हुआ है ताकि कोई भी लोग आना सके और इस महामारी से बचा जा सके। अभी हम पार्क में अंदर आ गए कुछ ही समय के लिए, हमें जो परमिशन है। और ये देखिए पीछे जो बहुजन समाज पार्टी की पूरी जो जिला इकाई की टीम है वो है, और पीछे आप बाबा साहब को देख सकते देखिए। और जिस खास व्यक्ति का हम इंतजार कर रहे हैं उन्होंने हमसे 5 मिनट का कहा है लेकिन अभी तक नहीं पहुँचे, अब वो आ जाएं तो हमें उनका ही विशेष इंतजार है। अमर रहे बाबा साहब, अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। साथियों जिस व्यक्ति का हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, मैं बोल रहा था कोई खास व्यक्ति आने वाला है और देखिए वो खास व्यक्ति आ गए हैं। ये देखिए मैं इनकी वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरी वीडियो बना रहे हैं फुलबाग मैदान में। और देखिए ये जो है ग्वालियर की सबसे बड़ी बाबा साहब की मूर्ति है जो कि फुलबाग मैदान में लगी हुई है। अभी हम जो बाबा साहब को पुष्प अर्पित करने के लिए आए हैं, हमने बाबा साहब को जो है पुष्प अर्पित किए। नीचे आप देख सकते हैं सन्नी भैया और अंजल भैया जो खड़े हुए हैं। साथियों अभी हम जो है अंबेडकर पार्क घूमने के लिए गए थे और रावली का भी जो पार्क था वो भी मैंने आपको दिखाया। और फिलहाल मैं हूँ अभी अंजल भैया के साथ और अभी हम जा रहे हैं उनके घर पे, कुछ काम है। तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिए। तो इस वक्त हम आ गए हैं अंजुल भैया के रूम पे। ज्यादातर वीडियो में आपने ये सीन देखा होगा। और चलिए मैं अंदर देखता हूँ अंदर कौन कौन है। तो ये देखिए अंदर कौन है, सन्नी भैया बैठे हुए हैं। और चूंकि आज जो है 15 अगस्त है, आजादी का दिन है, लेकिन आजादी के दिन भी देखो इनसे काम कर आजादी हम लेके रहेंगे आजादी। तो अभी तो आप काम कर रहे हैं? कर रहा हूँ ना। तो फिर आजादी कैसे मेरे को दिक्कत आ रही है? देखिए मैं इनसे अच्छे से पूछ रहा हूँ कि आजादी का मतलब होता है स्वतंत्र, आज कुछ ना करना पड़े। वो देखिए काम कर रहे हैं भाई। देखो अगर पेट का सवाल है तो आपको काम करना पड़ेगा, वो चाहे काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, ये पापी पेट का सवाल है यार, काम अपने भाई का है अपना है। कौन सी मूवी का डायलॉग है वो? कौन सी मूवी का मुझे नहीं पता। कोई भी धंधा छुटा नहीं होता, धंधा से बड़ा कोई धर्म नहीं। रईस का है, अम्मी जान कहती है धंधा कोई छोटा बड़ा नहीं होता, धंधे को हमेशा दिलचस्पी से करना चाहिए। देखो इन्होंने जो पूरा डायलॉग बदल दिया। और इस वक्त हमें अंजुल भैया के ऑफिस पर, ये देखिए उनका पीसी वगैरह रखा हुआ है और यहाँ का टी शर्ट पूरा हमने हाईजैक कर लिया है। और अभी फिलहाल कुछ मिनटों के लिए हमारा कब्जा है, इस वक्त हमारा पूरा कब्जा हो चुका है। और ये देखिए टी शर्ट मेरी भी बड़ी इच्छा है लेने की। नहीं नहीं लेके नहीं जा रहा हूँ। और आपका नाम क्या है? अंकित। ये अंकित भैया आपने जो है भैया की वीडियो में कई बार आपने देखा होगा और मेरी वीडियो में पहली बार शामिल हो रहे हैं। सॉरी सम्राट, मेरे में तो साथियों बोलता हूँ मैं। अच्छा, तो साथियों कैसे हैं? जेब तो गई होगी, टी-शर्ट तो नहीं डली क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखो चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने जो जेब में रख ली। और पता है अब उस दिन जो है जब भैया ने बुके सेल की थी तो बुद्ध और उनके समकालीन भिक्षु, ये मैंने ऑर्डर किया था लेकिन उन्होंने ऑर्डर देने से मना कर दिया। उनकी वीडियो में भी देखना उन्होंने इस बात को लेकर जो मुझसे मना कर दिया, तो अब मैं ऑर्डर नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से है। मेरे हिसाब से पता है क्या है, आजादी का मतलब ही वही होता है जब आप खुश हैं,
आप हंस गा रहे हैं, अपने लोगों के साथ बैठ उठ रहे हैं, विचार आदान प्रदान हो रहे हैं, वही हमारे लिए आजादी है। और सबसे पहले मैंने बहुत देर हो गई आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं नहीं दी, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सिर्फ मेरी तरफ से, आपकी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। टी-शर्ट खरीद ली है ये, और ये टी-शर्ट आपको चाहिए ना तो पता कहाँ मिलेगी, नीचे आईडी दे दी है tathagat.live.com, उस पर जाके आपको मिलेगी। और चूंकि मैं अंजल भैया के घर पे ही आया था ब्लॉग बनाने के लिए, तो मैंने डायरेक्ट जो है उनसे ले ली है, और आप जो है वेबसाइट पर जाकर आज या कल रात को जो है सेल लगेगी तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। और पता है पेमेंट कौन ले रहा है? भाई पेमेंट ले रहे हैं आपको भाई। इन्होंने कहा कि इज्जत के साथ जितना पैसा बनता है वो हमें दे दो, हमने इज्जत के साथ इनको जो फोन पे कर दिया, उसके बाद ये बोले इज्जत के साथ आप ले लो और हमें मिल गई इज्जत के साथ दीना। हाँ तो आपका थैंक यू। तो आज का ब्लॉग पता है क्या है, आज का हमारा पूरा दिन लगभग मैं जो अंजुल भैया और सुनी भैया के साथ रहा, इससे पहले हमारे साथ कुछ बसपा की टीम थी जहाँ हम कई सारे बौद्ध विहारों पर गए, और 15 अगस्त जो किस प्रकार से आज मैंने सेलिब्रेट की मैं आपको जो है दिखा सका। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा आपको, और ये टी शर्ट कैसी लगी वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपको लेना है तो मैं एक बार और वेबसाइट बता दे रहा हूँ, tathagatlive.com पे जाकर आप जो है परचेज कर सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त सोनू निगम, आप देख रहे थे सोनू ब्लॉग्स।